In the name of Allah, who is most gracious and most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. How are you, dear students? Hope all of you are good. Today we are going to start unit number 2, Chinese New Year. Chinese New Year, चीनी साल नो. Chinese चीनी new नया year साल. In this unit, you will be able to know about the important events of the Chinese festival and about their culture. Let's start the translation of unit of paragraph number 1. Chinese New Year, चीनी साल नो, is है a holiday, एक छुट्टी का दिन या त्यौहार, that जो के celebrates, जश्न मनाता है, the beginning, आगाज़ का, of a new year, नए साल के, according के मुताबिक, to the Chinese, चीनी, lunar, कमरी, calendar, तक्वीम. चीनी साल नो छुट्टी का त्यौहार है, जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक या चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक नए साल के आगाज़ का जश्न मनाता है. इट इज़ कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अहम तरीन में से एक, हॉलीडेज त्यौहारों में से, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए. इसे चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन त्यौहारों में से एक समझा जाता है. द हॉलीडे, ये त्यौहार, ये छुट्टी का दिन, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, विथ के साथ, बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तमात, गिफ्ट गिविंग, तोहफे तहाइफ देना, द ईटिंग ऑफ सैम्बलिंग फूड्स, अलामती गज़ा तनावल करना, एंड डिस्प्ले और नुमाइश करना, और फेस्टिव मुसरत बख्श, डेकोरेशंस सजावट. इसे चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन त्यौहारों में से एक समझा जाता है. ये त्यौहार बड़े ख़ानदानी इज्तमात, तोहफे तहाइफ देने, अलामती गज़ा तनावल करने और मुसरत बख्श सजावट की नुमाइश के लिए मनाया जाता है. ऑल फोकस्ड, तमाम का महवर, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती को लाना या खुश नसीबी को लाना, फॉर द न्यू ईयर, नए साल की, एंड सेलिब्रेटिंग और जश्न मनाना, द कमिंग ऑफ, कमिंग आने वाली, ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार. तमाम बातों का महवर, इन तमाम बातों का महवर, साल नौ के लिए खुश नसीबी लाना और उस और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाना होता है. इन चाइना, चीन में, द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर या कमरी तकवीम, इज़ है स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल होती है, टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल रवायती हॉलीडेज़, तातीलात, लाइक चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साल नौ की तरह. चीन में चीनी साल नौ जैसी रवायती तातीलात का तायुन करने के लिए भी अभी तक कमरी कैलेंडर या कमरी तकवीम इस्तेमाल होता है. सिंस चूके द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज़ बेस्ड ऑन, इन्हसार होता है, द फेजिस, मदारज पर, ऑफ द मून, चांद के. चूँकि कमरी कैलेंडर का इन्हसार चांद के मदारज पर होता है, इट वे विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका चक्कर या जिसका मदार के गिर चक्कर का अरसा शॉर्टर, मुख्तसर होता है, देन द सन, सूरज की निस्बत, जिसका यानी कि चांद का मदार के गिर चक्कर का अरसा सूरज की निस्बत मुख्तसर होता है. चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नो, इज़ नेवर ऑन द सेम डे, इज़ है नेवर, कभी नहीं, ऑन द सेम डे, एक ही दिन,
ईच ईयर हर साल, इसलिए चीनी साले नौ हर वर्ष एक ही दिन नहीं आता, बट टिपिकली बल्कि अमूमन फॉल्स आता है या वकूअ पज़ीर होता है समवेयर कहीं बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th, बल्कि अमूमन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वकूअ पज़ीर होता है या आता है। सेलिब्रेशंस तकरीबात कैन एक्चुअली दर हकीकत लास्ट जारी रहती हैं फॉर अ मंथ, एक माह तक। दर हकीकत साल नौ की तकरीबात एक माह तक जारी रह सकती हैं, यानी कि वो एक माह तक इस जश्न को मनाते हैं, इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ हर साल एक ही दिन क्यों नहीं आता। द चाइनीज़ फॉलो लूनर कैलेंडर विच डिफर्स फ्रॉम ग्रिगोरियन कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर पर अमल करते हैं, यानी कि चांद के, जो कि शमसी कैलेंडर से मुख्तलिफ है। देयरफॉर चाइनीज़ न्यू ईयर, इसीलिए चीनी साल नौ नेवर स्टार्ट, कभी शुरू नहीं होता, ऑन द सेम डेट ईच ईयर, हर साल एक ही तारीख को शुरू नहीं होता। हेयर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर। चीनी साल नौ से वाबस्ता चंद रवायात दर्ज ज़ैल हैं। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए मलबूसात, नए लिबास। प्रायर कबल टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से या पहले दिन से पहले, साल नौ के पहले दिन से पहले, नए साल के पहले दिन से पहले। इट इज़ कस्टमरी, ये एक रिवाज है, फोर के लिए फैमिलीज, ख़ानदान वालों के लिए, टू थोरली क्लीन देयर हाउसेस, थोरली मुकम्मल तौर पर क्लीन, साफ़ करना देयर हाउसेस, अपने घरों को, साल नौ के पहले दिन से कबल या पहले दिन से पहले ख़ानदानों में अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का रिवाज है। डूइंग दिस, ऐसा करना, इस सेड कहा जाता है टू क्लियर आउट, साफ कर देना, एनी बैड लक। किसी भी बदबख्ती को, फ्रॉम से द प्रीवियस पिछले ईयर साल की, एंड और टू मेक करना द हाउस घर को रेडी तैयार, टू एक्सेप्ट कबूल करने के लिए, गुड लक खुशबख्ती फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल की। कहा जाता है कि ऐसा करना, यानी कि घरों की मुकम्मल सफाई करना, पिछले साल की किसी भी बदबख्ती को साफ कर देता है और घर आने वाले साल की खुशबख्ती कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑल क्लीनिंग, हर किस्म की सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, ज़रूर मुकम्मल होनी चाहिए, बिफोर पहले न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले, सो देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई इम्कान ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट बाहर फेंके जाने का, द गुड फॉर्चून खुशकिस्मती ऑफ द न्यू ईयर नए साल की। हर किस्म की सफाई योम साल नौ से पहले मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि साल नौ की खुशबख्ती हादसाती तौर पर बाहर फेंके जाने का कोई इम्कान ना रहे। वियरिंग पहनना,
ब्लैक स्या इज़ नॉट अलाउड, स्या रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती, ड्यू की वजह से, टू इट्स एसोसिएशन इसकी वाबस्तगी विद डेथ मौत से वाबस्तगी के सबब स्या रंग को पहनने की इजाज़त नहीं होती। हाउएवर अलबत्ता, वियरिंग पहनना, रेड सुर्ख इज इनकरेज्ड उसकी हौसला अफजाई की जाती है, एज के तौर पर द कलर रंग के इज़ एसोसिएटेड वाबस्तगी या जुड़ा होना विद के साथ, वॉजिंग ऑफ टालना, बैड स्पिरिट्स बदरूहें अलबत्त सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि यह रंग बदरूहें टालने से जुड़ा है। Here is the question number second. What is Chinese believe about cleaning houses before New Year? नए साल के पहले दिन से कबल घरों को साफ करने के बारे में चीनियों का क्या अकीदा है? Answer is to clean the houses before the start of New Year is like to wipe away the bad luck. और क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। हियर इज द इन द फर्स्ट थ्री लाइन्स द आंसर इज पैराग्राफ नंबर थ्री, डेकोरेटिंग द हाउस घरों की सजावट, घरों को सजाना, डेकोरेटिंग घर की सजावट या आराइश, द हाउस घर की, एंड अदर एक और पॉपुलर मकबूल या मशहूर कस्टम रिवाज इज है टू हैंग अप लटकाना साइंस तख्तियाँ एंड और पोस्टर्स इश्तहारात ऑन डोर दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर विद के साथ द चाइनीज चीनी वर्ड फू रिटन ऑन देम चीनी लफ्स फू जिस पर चीनी लफ्स फू लिखा होता है विच मीन्स जिसका मतलब है लक खुशकिस्मती एंड हैप्पीनेस और खुशी। एक और मकबूल रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर या दरीचों पर अलामती तख्तियाँ और इश्तहारात जिन पर चीनी लफ्स फू लिखा होता है लटका देना है जिसका मतलब खुशबख्ती और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स फूल खरीदना फॉर द होम घरों के लिए इस है ऑल्सो बी कॉमन आम कॉमन प्लेस आम रवाज या मामूल सिंस दे सिंबलाइज अलामत क्योंकि ये अलामत होते हैं द कमिंग आने वाले ऑफ स्प्रिंग मौसम बहार की एंड ए न्यू बिगनिंग और नए आगाज़ की। घर के लिए फूल ख़रीदना भी मामूल है या आम रवाज है क्योंकि ये मौसम बहार की आमद और नए आगाज़ की अलामत होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ओके, goodbye, take care, Allah Hafiz.